मंत्री जी, घोषित का जो परिणाम आया है उसको देखकर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, किस कारण से इस तरह की जो है बीजेपी को खाद? वैसे राजनीतिक चुनाव होते हैं, कहीं फायदा होता है, कहीं नुकसान हो जाता है। मैं समझता हूं कि कोई वैसा कारण तो नहीं था जिसके कारण वहां हार हो, क्योंकि मैं स्वयं में गया था, लोगों का मन था भारतीय जनता पार्टी को योगी मोदी जी के नाम पर वोट देने का। लेकिन हो सकता है कौन से कारण है, चूँकि मैं इतने करीब घोसी के नहीं हूँ, मैं रायबरेली में हूँ, एक दो दिन तीन दिन के लिए मैं गया था वहाँ, तब वातावरण भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल था। लेकिन ये सही है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम आ रहा है, अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन वो हम लोगों के लिए निराशाजनक है। मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे परिणाम की कोई उम्मीद है। अब चुनाव हो जाने के बाद ये जरूर जानकारी की जाएगी कि किन कारणों के कारण घोसी का परिणाम प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से देखा जाए, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रायबरेली आए थे, उन्होंने जो है मीडिया के सामने कहा है कि राज्य सोनिया गांधी व अमेठी से राहुल गांधी के मैदान में आएंगे, क्या लग रहा है? मैं समझता हूं रायबरेली के लोग सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार को बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। हो सकता अजय राय जी के लिए नया हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रायबरेली के लोग बड़े करीब से गांधी परिवार को जानते हैं और अब तक उनको वोट भी देते आए हैं। लेकिन वही अजय राय जी के सामने जो रायबरेली में कांग्रेस की दयनीय दशा के वो स्वयं साक्षी हैं, खुद उन्होंने देखा है कि वो भाषण दे रहे हैं और 50 आदमी उनकी मीटिंग में नहीं है, 95% कुर्सियाँ उनके सामने खाली थी, तो उनको वो महसूस करें कि सोनिया गांधी हमें चाहे प्रियंका गांधी हमें। रायबरेली के लोगों ने बड़े करीब से देखा है, आज की तारीख में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का ग्लैमर रायबरेली से खत्म हो चुका है। जनता ग्लैमर के आधार पर नहीं, सेवा के आधार पर वोट देती है, और उन्होंने सेवा के क्षेत्र में निराश किया है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने। रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी भी हैं और रायबरेली की परोक्ष सांसद प्रियंका गांधी भी हैं। प्रियंका गांधी इसे भाग नहीं सकती, वो गारंटर हैं रायबरेली के लोगों के बीच में। आके कहती थी आप वोट दियो, हम गारंटर हैं, हम आपका साथ देवे, हम आपका विकास करोबे। तो प्रियंका गांधी भी कभी पलट के 5 साल नहीं आई, हालचाल नहीं लिया, तो उनका हस्त दिखाई दे रहा है। चाहे 2024 में सोनिया आवें, चाहे 2024 में प्रियंका आवें, चाहे 2024 में अजय राय आवें, रायबरेली से हार के जाना है, यहाँ कमल खिलेगा जो मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। मैं समझता हूँ कि मामले किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर लगाए जाते हैं। राजनीति ऐसी काजल की कोठरी है, जो इसमें आया एक लिख लग ही जाता है। मैं सक्रिय सेवक हूँ, सक्रिय मंत्री हूँ, मेहनत परिश्रम करता हूँ, तो इसके कारण विरोधियों को तकलीफ होती है। जो आरोप मेरे ऊपर 60 करोड़ रुपए का लगाया जा रहा है बीज के घोटाले के संबंध में, मैं समझता हूँ जब से मैं मंत्री बना हूँ, हमारे यहाँ 60 करोड़ तो छोड़ दिए, कभी 5 करोड़ की भी कोई बीज की खरीदी नहीं हुई है। तो बगैर साक्ष्य के कोई आरोप लगाए तो ये तो उनका हक है, जो लगाने वाले जाने, समाज में कौन क्या कहता है इस पर हमको बहुत नहीं जाना। रायबरेली के लोगों ने मेरी सेवाएं देखी हैं बड़े करीब से, मैं ईमानदारी के साथ रायबरेली वासियों और प्रदेश वासियों की सेवा कर रहा हूं और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा हूं। आज हमारा उद्यान विभाग लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, जिसके कारण लोगों को ज्वेलसी है, और अगर कोई भी मीडिया का व्यक्ति ये बता दे कि दिनेश सिंह के दस्तखत से कोई भी खरीद हुई है बीज की, तो निसंदेह जो हमको सजा चाहे समाज दे दे, चाहे सरकार दे दे, लेकिन मैं समझता हूँ आज तक हमारे जितना मैं समझता हूँ 20 करोड़ रुपए का भी कोई खरीद नहीं हुई, जहाँ की वो 60 करोड़ की बात करते हैं। वैसे मैंने आज मीडिया के बंधुओं को अपने मुलाकात के लिए ऐसे बुलाया था, जिस पे आप लोगों ने इस विषय पर सवाल पूछे हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारा विषय नहीं है। आप सब ने देखा है, एक चैनल ने 1.5 रुपए के प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्र घोटाला भी छाप दिया अखबार में और खबर प्रकाशित कर दी। 1.5 रुपए का प्रमाण पत्र एक 4th क्लास एम्प्लाई को दे दिया गया था, वो ये बात सही है कि अनियमितता तो थी, भ्रष्टाचार का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। एक 4th क्लास के एम्प्लाई ने
20 आम के फल रख करके प्रदर्शित कराए और वो आम अच्छे थे, तो ज्यूरी ने निर्णय लिया कि आम अच्छे हैं और उनको 1.5 रुपए का प्रमाण पत्र मेरे हाथों दिला दिया। अब उसको मीडिया ने लगा दिया कि साहब वो तो प्रमाण पत्र घोटाला हो गया। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, तो घोटाला कहने वाले जाने। मैं इतना जानता हूँ कि 1.5 रुपए का प्रमाण पत्र अनियमितता से उसने ले लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन घोटाला जैसा कोई विषय नहीं है, अनियमितता तो हो सकती है। मंत्री जी, G20 समिट की शुरुआत होने जा रही है, सभी आ रहे हैं सारे मेहमान, वहीं प्रसून जोशी का एक लेटर देखने को मिला जिसको लेकर उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि वो सहयोग नहीं कर रही है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? ये बात बिल्कुल सही है, जिन लोगों के मन में यह भावना जो दूसरे देशों में जाकर के भारत के खिलाफ बयान देते हैं, तो उनसे हम ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे देश के रहने वाले नहीं हैं, वो हमारे देश के बारे में कैसे हितैषी हो सकते हैं, ये अब भली भांति जनता जानती है। इसीलिए मोदी जी योगी जी को देश में सम्मान मिल रहा है कि ये विदेशी लोग भारत के हितैषी नहीं हो सकते हैं, इनका मूल विदेशी है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, इनके विचार विदेशी हैं, इनका खान पान विदेशी है, इनका रहन सहन विदेशी है, इनके विचार विदेशी हैं, इसलिए हमारे देश के प्रति वह आस्था नहीं रखते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की जनता चाहती है। मंत्री जी,